अब जब ये सारी जानकारी आपकी हो जाएगी तो आपने कंप्लेंट स्टाफ को अपने हिसाब से लगाना है अगर जो भी फेरबदल आपने करना है आपको करना पड़ेगा तो अगर आपको लगता है कि कोई उनमें से बंदा या कोई अच्छा लड़का है या कोई अच्छा स्टाफ है तो उसको आप मेंटेनेंस में लगा सकते हो या मेंटेनेंस वाले को आप कंप्लेंट पे लगाना है क्योंकि हमारे पास लाइनमैन भी होगा फोरमैन होगा उसके बाद लैंड मैन होगा उसके बाद असिस्टेंट लैंड मैन होगा हो और उसके साथ हेल्पर्स होगे तो आपने देखा होगा कि कोई हेल्पर ही बड़ा अच्छा होता है नॉलेज उसको ज़्यादा होती है तो उसको आप कंप्लेट सेंटर पर लगा सकते हो तो इस तरह से अब स्टाफ अपना देख ले कि मेरे पास कितना स्टाफ है क्योंकि कंप्लेंट पे तीन बंदे पहले तो चार एक शिफ्ट में होने ज़रूरी हैं क्योंकि चार में से हा क्योंकि उनको 24 घंटे काम उनको सातों दिन काम करना पड़ता है या पूरा महीना उनकी कोई छुट्टी हमें अब उस हिसाब से उनको देनी पड़ेगी क्योंकि कंप्लेंट तो हम कंप्लेंट हमारी छुट्टी के दिन भी आएंगी शनिवार भी आएंगी एतवार भी आएंगी या सातों दिन आएगी तो इसलिए कंप्लेंट स्टाफ को हमें जो छुट्टी है वो अपने हिसाब से देनी पड़ती है माना कि जो आज छुट्टी करेगा तो वो कल कंप्लेंट पे आ जाएगा तो उनके इस तरह से हमने एक ड्यूटी रोस्टर हमारा उसे कहते हैं वो आपको खुद बनाना पड़ेगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किसको मैंने किस दिन छुट्टी देनी है किसी को सोमवार किसी को मंगलवार किसी को बुधवार किसी को वीरवार इस तरह से मैंने अपना वो तैयार करना है ड्यूटी रोस्टर तो हर महीने ड्यूटी रोस्टर अगर आपको चेंज करना है तो ठीक है ड्यूटी <दुटी> आगे पीछे करनी है तो ठीक है नहीं है तो आप हर महीने ड्यूटी रोस्टर आपको कम सेंटर पर लगाना पड़ेगा तो ड्यूटी रोस्टर अगर होगा तो वो अपने हिसाब से देख के अपना काम करते रहेंगे उसके बाद जब इतना आपसे हो जाएगा मेंटेनेंस स्टाफ के बारे में प, पता कर लें भाई कौन बंदा किस तरह का है और कौन क्या काम कर सकता है किसको ज़्यादा नॉलेज है तो उसको आप हेड बना दें एक को कि जो उनसे काम करवाता रहेगा लाइन पे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी दूसरा अगर आपके पास सामान सबसे पहले जो मेन सामान आपको चाहिए वो पिन इंसुलेटर और डिस्क इंसुलेटर और पिन इंसुलेटर की पिने कंडक्टर केबल एस टी केबल और एल टी केबल क्योंकि ये जो चीजें हैं और अल्टी इंसुलेटर ये आपको अपने पास रखनी ही पड़ेगी क्योंकि लाइन ब्रेकडाउन होती है पेन इंसुलेटर हमारा पंचर हो गया अब आपके पास है नहीं तो लाइन कैसे चलाएंगे हम तो उसके लिए आपको ये सामान कुछ सामान आपको रखना ही पड़ेगा जो कि 24 घंटे कंपन सेंटर वालों के पास होना चाहिए अगर उनके पास सामान होगा तो फटाफट लगा देंगे अगर सामान नहीं होगा लाइन डाउन होगी मेरे पास डिस्क नहीं है या डिस्क इंसुलेटर नहीं है तो जब तक मैं इंतज़ाम इन, करूँगा तो काफ़ी देर हो चुकी होगी तो ऊपर से लोग परेशान करते हैं कि लाइन जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ ये लाइट हम ज़्यादा देर बंद नहीं कर सकते हैं तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमें अगर सामान पड़ा होगा तो जल्दी हमारा काम भी हो जाएगा तो उसके बाद जब आपके फीडर मैप हो जाएंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे मेरे डिस्क इंसुलेटर है कहाँ पे मेरा एच पोल है कहाँ पे मेरी एंड पोल है एक शुरू का पोल होगा और एक आखिरी पोल होगा चाहे एच हो चाहे एल हो तो दोनों ही साइड आपने चेक करनी है शुरू का पोल कौन सा है और आखिर का पोल कौन सा है अब कई बार लास्ट वाले पोल पे हमारी डबल सप्लाई होती है जो दो फीडर इकट्ठे होते हैं एक तरफ ये फीडर जा रहा है और एक तरफ ये फीडर है क्योंकि वहाँ पे उसकी डेडिंग है तो वहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है तो हो सके तो वहाँ पे बोर्ड लगा दे कि यहाँ पे डबल फीडर है या अपनी कोई इस तरह की निशानी वहाँ पे लगा दे कि इस पोल के ऊपर डबल फीडर है क्योंकि जब उस पोल के ऊपर काम कर आप, आपको काम करवाना पड़ेगा तो आपको दोनों ही फीडर बंद करवाने पड़ेंगे तो इस तरह की कई बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है तो उसके बाद इसीलिए हमारा फीडर का मैप होता है कि मैप अगर मेरे को याद है तो मैं आराम से लाइन पे पावर हाउस में बैठ के काम करवा सकता हूँ तो इससे आगे अब हम बात करेंगे कि पावर हाउस तो आपको पता लग गया कितने पावर हाउस मेरे पास हैं कितने मेरे वहाँ से फीडर निकल रहे हैं उन फीडरों के नाम क्या है जैसे कि मेरे पास तेरह फीडर थे तो उनके नाम रखे हुए थे जैसे इंडस्ट्ररिया के इंडस्ट्री एरिया वन या फेस वन पे मेरे तीन फिडर थे उनके नाम थे इंडस्ट्ररिया फेस वन ए फेस वन बी फेस वन सी उसके बाद फेस टू के जो फिडर थे डी और ई और एफ तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि मेरे फेस वन में जो फिटर जा रहे हैं वो ये जा रहे हैं और फेस टू में जो मेरे फिडर जा रहे हैं वो ये जा रहे हैं ये जानकारी आपको जो आपका फोरमैन है तो फोरमैन आपको बता देगा और ये आपको याद करना है क्योंकि अब आप लाइन पर चौबीस घंटे हो क्योंकि स्टाफ तो आठ घंटे काम करके चला जाएगा लेकिन आपको चौबीस घंटे फिटर की देखभाल करनी है जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि अब जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाती है मेंटेनेंस की है या ब्रेक डाउन की है या ट्रांसफार्मर डैमेज की है या पोल टूट कोई टूट जाता है तो आपको तुरंत उसका इंतजाम करना पड़ेगा तो इसलिए सारा सामान ये सारी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए देख कितने मिनट की होगी छः अब कितने तेज की होगी ना कर दें तो इसके बाद अब आपको अपने ट्रांसफार्मर चेक करने हैं कि मेरे पास 25 के बी के कितने ट्रांसफार्मर हैं तिरसठ के बी के कितने हैं 100 के बी के कितने हैं और 200 के बी के कितने हैं और 400 के कितने हैं और 500 के कितने हैं यह ट्रांसफार्मर आपने सारे चेक करने हैं और कोई ट्रांसफार्मर ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है तो स्टाफ उसको दो फेसों पे चला देता है माना उसका एक फेस डैमेज हो गया तो दो फेसों पे सप्लाई करके उसको चला देते हैं तो वो भी आपने जब आपको नॉलेज होगी तो आप साइट पर जाके चेक कर लोगे कि भाई ये ट्रांसफार्मर दो फेसों पर क्यों चल रहा है तो आपको बता देंगे कि जिसका एक फेस काम नहीं कर रहा है इसलिए हमने इसको दो फेसों पर दो के तीन बना रखे हैं तो इसका भी ध्यान रखिए आपने हर ट्रांसफार्मर को चेक करना है हो सके तो ट्रांसफार्मर के नंबर्स भी आपने नोट करने हैं कि भाई मेरे इस फेडर पे इस पोल पे यह ट्रांसफार्मर मेरा लगा हुआ है सौ का है दो सौ का है या कोई भी ट्रांसफार्मर है तो उसकी आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी ट्रांसफार्मर वो डैमेज होगा तो आपको उसका एस्टिमेट भी बनाना पड़ेगा और अगर आप सीरियल नंबर भी उसका हमें जरूरत पड़ेगी उसमें सारा कुछ उसका डाटा देना पड़ता है तो वह आगे मैं बताऊंगा तो ये चीज़ें जो कॉमन सी चीज़ें हमारी होती हैं ये आपको याद रखनी है तो डायरी में आप नोट करते जाएंगे तो आपको आसानी होती रहेगी अब जब आप पावर हाउस में जाओगे तो पावर हाउस से बाहर एक मेन जियो सिच हमारा निकलेगा हर फीडर का एक जियो बाहर हमारा होगा जो कि हमारा पहला फीडर का पोल होगा एच पोल होगा हमेशा ये एच पोल ही होगा या फोर पोल होगा या थ्री पोल होगा सिंगल पोल पे नहीं होगा तो उस पे एक जियो स्विच हमारा लगता है ये हमारा कहलाता है मेन जियो स्विच मेन जियो स्विच माना कि अगर लाइन में फॉल्ट है तो मैं उसको अगर बाहर से काट दूंगा तो मैं अपनी लाइन को अंदर से होल्ड करा सकता हूँ क्योंकि आगे के लाइन की पेट्रोलिंग के बाद हम लगा सकते हैं क्योंकि अगर मान लो मेरे को पता है कि कहीं पोल टूट गया है अब ऐसा कि लाइन मेरे को चलानी पड़ेगी पावर हाउस से वो ज़्यादा देर मेरे को परमिट नहीं देंगे तो इसलिए मैं क्या करूँगा उस जियो को काट दूंगा और वहाँ तक लाइन को होल्ड करा दूँगा तो उसके आगे भी फिर होते हैं हमारे ब्रांच जियो होते हैं और ट्रांसफार्मर के जियो होते हैं वो मैं डिटेल में जैसे इनका जिक्र आता जाएगा ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस उस, उसका मैं उसमें आपको बताऊँगा उसके बाद आपने ये पता करना है हमारे फीडरों पे या हमारे लैनों पे कोई वीआईपी पर्सन या कोई हमारा बड़ा अफसर तो नहीं रहता तो उस जगह पे आपको अगर वीआईपी पर्सन कोई रहता है या इस तरह का कोई बड़ा उसमें रहता है तो वहाँ पे आपको डबल सप्लाई का इंतज़ाम करना पड़ेगा क्योंकि अगर सप्लाई वहाँ पर बंद होगी आ तो आपके आपके ऊपर प्रेशर आएगा माना लैंड बैकड्राउंड हो जाती है तो आप वो फ़ोन करेगा आगे और वो फ़ोन आपको आएगा कि भाई क्यों उसकी सप्लाई बंद है तो अगर आप वहाँ पर हो सके तो डबल सर्किट बना दें डबल सर्किट अगर वहाँ पे बनेगा तो माना एक फीडर की सप्लाई आपकी बंद होगी तो दूसरे फीडर से आप उसको सप्लाई दे दोगे तो अगर उसकी लाइट चल जाएगी तो थोड़ा सा प्रेशर हमारे ऊपर कम हो जाता है या कोई हमारा बड़ा अफसर उसमें रहता है तो वो सीधे फ़ोन करेगा कि भाई यहाँ की सप्लाई बंद क्यों हुई अगर ज़्यादा देर बंद रहती है तो फिर वो तंग करता रहेगा पब्लिक तो तंग करती करती है लेकिन ऊपर से इनका दबाव अलग हमारे ऊपर पड़ता है तो इसलिए वहाँ पे डबल सर्किट ऑफ कर दें माना इस फीटर की सप्लाई बंद होगी तो इस तरह का इंतजाम आपको करना है कि इधर की लाइन बंद हुई तो इधर से लैन चल जाए तो थोड़ा हमें राहत उस स्पीडर पर मिल जाएगी तो उस पीटर को हम आराम से पेट्रोलिंग करके फिर चला सकते हैं तो इसी तरह के मैं आगे भी बनाऊँगा लेकिन इसमें मेहनत थोड़ी मेरी लगी है क्योंकि मैंने भी बहुत मुश्किल से सीखा है धन्यवाद